हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। मैंगो का सीजन चल रहा है। इस मैंगो के सीजन में आम तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आम ज्यादा खट्टे होते हैं या फिर कम मीठे होते हैं। आज हम इसी खट्टे मीठे आम से मालपुआ बनाएंगे। इसे हमने गेहूं का आटा और गुड़ की चाशनी से बनाया है, तो ये बहुत हेल्दी है। ये रेसिपी खास करके जो अपने परिवार वालों को खुश करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी सिंपल है और जो खुद खाने के शौकीन है और दूसरों को भी खिलाने के शौकीन है उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। रेसिपी को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू रेसिपीज के अपडेट आप तक सबसे पहले आ जाएंगे। तो चलिए ये मजेदार से मैंगो मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो आम के पल्प को मिक्सर में ग्राइंड करके लिया है। ये हल्के से मीठे आम है, ज्यादा मीठे नहीं है। इसमें हमें 1.5 कप गेहूं का आटा डालना है, ग्राम में ये 300 ग्राम है। इसके बाद इसमें 1/4 कप सूजी डाले, तो ये बारीक सूजी है। साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाले और 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ सौंफ डाले। सौंफ इसमें ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क डालना है। कंडेंस मिल्क से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें हल्का सा नमक डालना है, करीबन 2 चुटकी। नमक से कोई भी मीठी चीज बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे कि इसमें गुठलियां नहीं होगी। तो ये 2-3 बार मैंने इसमें दूध डाला है। लगभग 2.5 कप के करीब इसमें दूध का इस्तेमाल हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अगर आपको बैटर गाढ़ा लगता है तो आप इसमें और भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख दे, ये बहुत जरूरी है इसे 1 घंटे के लिए रखना। तब तक हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए 1/2 कप गुड़ का पाउडर लिया है। पाउडर नहीं है तो गुड़ को घिस के या फिर काट के भी ले सकते हैं। उसी कप से 1.5 कप इसमें पानी डालना है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दे और इसे बॉईल होने दे। दो मिनट इसे अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सा फूल गया है। और ये जो मैं इस तरह से डाल रही हूँ तो ये डालते ही नीचे फैल जाता है, तो यही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो ये बैटर मालपुआ के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम मालपुआ को फ्राई करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पे इस तरह से मालपुआ को डालना है। तो आप ये करछी देख सकते हैं, इसी से डाले तो इसका जो साइज है वो एक जैसा आता है। इसे तुरंत पलटना नहीं है, हल्का हल्का इसके ऊपर जो गरम तेल है वो छिड़कना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से करें, तो ये बहुत ही अच्छे फूलते भी हैं। अब हम इसे पलट देंगे। ये सारे मालपुआ को मैंने पलट दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम या लो ही रखना है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो ये मैंने उलटते पलटते हुए तीनों मालपुआ को फ्राई कर लिया है। तो इन्हें निकाल लेना है। तो करछी से इन्हें निकाल के और दूसरे चम्मच से इसे इस तरह से दबाए तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे मालपुआ मैंने फ्राई कर लिए हैं। मालपुआ हल्के से गर्म है और गुड़ की चाशनी भी हल्की सी गर्म है। ज्यादा ठंडी चाशनी में इसे नहीं डालना है। अगर ठंडी हो जाती है तो तुरंत फिर से गर्म कर ले और इसे 2 मिनट के लिए गुड़ की चाशनी में डिप करके रखना है और उसके बाद निकाल लेना है। सारे मालपुआ मैंने 2 मिनट के लिए गुड़ की चाशनी में रखे और प्लेट में निकाल लिए है। ऊपर से पिस्ता बादाम काजू से इसे गार्निश करके सर्व करें, तो ये दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और
खाने में भी टेस्टी लगते हैं। ये मैंगो मालपुआ है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैंगो का पल्प बचा के रखा था। तो ये तुरंत सर्व करने के लिए आप इस तरह से ऊपर से मैंगो का पल्प डाल सकते हैं। तो ये सारे मालपुआ पे मैंने मैंगो का पल्प डाल दिया है, ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर दिया है। इस तरह से अगर मेहमानों को भी खिलाए तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से मैंने सारे मालपुआ को बना के तैयार कर लिया। इतने बैटर में 20 से 25 मालपुआ बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। परिवार वाले फ्रेंड्स भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।